हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है कार्तिक कुमार जी की वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे सन 2008 की गेम के ऊपर, बहुत ही गजब की गेम है, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। पीटर स्विडलर और तिमुर रज़बोव के बीच में डायरेक्टली शुरू करते हैं। ई4 के साथ यहाँ पीटर ने शुरू किया, रज़बोव ने यहाँ खेला C5 सिसिलियन, Nf3 D6 D4 Cxd4 Nxd4 Nf6 ऑब्वियसली Nc3 होगा, देन हुआ G6 तो बिशप E3, बिशप G7 देन F3, कैसल बाय ब्लैक, देन क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, नाइट C6 और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने कैसल किया। दोनों खिलाड़ियों की काफी, मैं कहूंगा, अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। D5 तो क्वीन गई E1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग मैं इस मूव को मानता हूँ। E5 नाइट पर अटैक बना, तो नाइट टेक्स C6, बी टेक्स C6, ई टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन बिशप C4 स्क्वायर पर, नाइट पर प्रेशर थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं है। बिशप E6 यहाँ ब्लैक ने किया, ओके, नाइट E4। और फ्रेंड्स, नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर व्हाइट ने इस नाइट को, यानी कि ब्लैक के नाइट को पिन ना किया होता, तो कम से कम व्हाइट को अपना ये बिशप तो गंवाना ही पड़ता। क्वीन C7 ब्लैक का मूव आया, पिन को खत्म किया गया। बिशप C5 और यहाँ इस रुख पर अटैक है, बिशप को भी बचाया है। रुक अटैक गोज टू D8, देन हुआ G4, नाइट F4, तो क्वीन गई C3 स्क्वायर पर, बिशप पर अपने डिफेंस करने के लिए रुक D4। और फ्रेंड्स, ये मूव काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट को बहुत संभल कर खेलना होगा। कैलकुलेशंस जितना इन डेप्थ करेंगे उतना, मैं कहूंगा, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। यहाँ रुक टेक्स D4 इज नॉट अलाउड जस्ट बिकॉज ऑफ ई टेक्स D4। डायरेक्टली यहाँ पहले तो इस क्वीन पर अटैक बनेगा, बिशप से अगर यहाँ इस पॉन को लिया जाएगा तो बिशप टेक C4 पहले यहाँ पर ब्लैक करेगा, उसके बाद क्वीन टेक C4, देन बिशप टेक्स D4, क्वीन टेक्स D4 एंड फाइनली जब नाइट E4 चेक होगा तो अपनी गलती का पूरा एहसास होगा। आप इसे किसी भी वे में इस पूरी कॉम्पोजिशन को लगाकर देख सकते हैं, नुकसान में ही रहने वाला होगा यहाँ से वाइट, अगर रुक से रुक लिया जाएगा तो। यहाँ एक तरह से एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है रज़बोव ने, बिशप टेक्स D4, ई टेक्स D4, क्वीन पर अटैक बना, और कम से कम रुक टेक्स D4 इज नॉट अलाउड। सिंपली यहाँ ऐसा नहीं है कि बिशप के बदले में रुक मिल जाएगा, यहाँ पर पूरा रुक ब्लैक को मिलेगा जब वो अपने सी पॉन को आगे पुश करेगा। यहाँ हुआ था क्वीन B4, क्वीन के B4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स रुक कहाँ आने वाला है और ये बिशप कहाँ लगा हुआ है, मुझे तो बहुत ही घबराहट हो रही है इस गेम को देखकर ऑलरेडी। D3 देन बिशप टेक्स E6, बिशप एलिमिनेट करो, नाइट E2 चेक, किंग गया B1 स्क्वायर पर, देन रुक B8 और वही काम हो गया है जो मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। बिशप टेक्स F7 चेक, किंग टेक्स F7 का मतलब है कि चेक देकर पहले तो बचा लो अपनी क्वीन को और उसके बाद इस सी पॉन को आगे पुश कर दो, तो वो एक हो सकता है। तो ब्लैक ने पहले अपने किंग को मूव किया, क्वीन टेक्स B8 चेक और यहाँ ये क्वीन तो गंवानी ही पड़ेगी। लेकिन क्या इससे पीटर स्विडलर की जान बचती है, क्योंकि क्वीन टेक्स B8 और फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट है। तो C3, दैट्स ओके, नाइट टेक्स C3 चेक, नाइट टेक्स C3, बिशप टेक्स C3 और फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट है। लेकिन अब बिशप आया B3 स्क्वायर पर, तो ब्लैक को अपने बिशप को बचाना पड़ा, उसके बाद हुआ रुक टेक्स D3। फ्रेंड्स, अब जरा करते हैं मेटेरियल को काउंट। यहाँ पर 2 और 3 5 पॉन्स है ब्लैक के पास, 4। हाँ, क्वीन के सामने 2 रुक्स लगा लेते हैं, बिशप तो गेम में माइनर एडवांटेज में मानता हूँ कि व्हाइट को यहाँ मिल चुका है रुक पेयर की वजह से। क्वीन गई E5 स्क्वायर पर और फिर दूसरे एंगल से चेकमेट की थ्रेट है, रुक आया D2 स्क्वायर पर, रुक पे डिफेंस है भी नहीं। क्वीन E3 रुक पर ही अटैक बना दिया है, तो रुक अटैच गोज टू D1, दोनों रुक की बैटरी तैयार हुई है। हाँ, कोई चेक नहीं आती, ये ऑब्वियस है। क्वीन टेक्स F3 पॉन अब यहाँ व्हाइट के हाथ से जाने शुरू हो चुके हैं, लेकिन रुक गया D7 स्क्वायर पर, तो क्वीन E4 चेक और इससे बचने के लिए बिशप को बीच में लगाया, देन क्वीन गई B4 स्क्वायर पर और फिर वही चेक मेट की थ्रेट हुई, तो बिशप B3 व्हाइट को करना ही पड़ा। क्वीन E4 चेक, तो अब किंग को मूव कर लिया A1 स्क्वायर पर, बैक रैंक चेक मेट की प्रॉब्लम सभी खड़ी हो जाती है। क्वीन गई G2 स्क्वायर पर, फिर दोबारा वही चेक मेट की थ्रेट है, तो रुक एट वन गोज टू D2, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन टेक्स G4 एक पॉन और यहाँ व्हाइट के हाथ से जा चुका है, देन हुआ A3, कम से कम काफी देर के बाद यहाँ एक एस्केपिंग स्क्वायर तो खुला। आई थिंक सी पॉन को आगे पुश करके यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाना ज्यादा जरूरी था। ऐसा क्यों? क्योंकि बिशप ने यहाँ किंग की तरफ अपना डायरेक्शन अटैक बना रखा है,
यहाँ हुआ था A5, काम वही हुआ लेकिन अटैक बनेगा बिशप पर दूसरे एंगल से। रुक B7 और रुक B7 स्क्वायर पर आने का क्या मतलब है? यहाँ पर एक चेक की थ्रेट है लेकिन उससे पहले दूसरा रुक भी जा सकता है, और क्या कह सकते हैं, चेकमेट की थ्रेट। जो प्रेशर ब्लैक ने बना रखा था, व्हाइट कहीं ना कहीं अब मुझे नजर आ रहा है कि ब्लैक के ऊपर वापस अटैक करने वाला है। यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट क्वीन को F4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस रुक पर अटैक बनाने की कोशिश कर सकता था। क्यों ना तो यहाँ से कोई चेक आती है, रुक पर भी अटैक बनता है, खैर जो हुआ नहीं उसका क्या देखना। A4 यहाँ ब्लैक ने किया और यहाँ इस बिशप पर अटैक है, लेकिन इसके बावजूद भी पीटर ने यहाँ अपने रुक को लिया D7 स्क्वायर पर। आप ले सकते हैं इस बिशप को, लेकिन क्या यहाँ रत्ज़वोव इस बिशप को ले सकता है? Ag3 किया जा सकता है और अगले मूव में यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट है। चेकमेट से बचने के लिए व्हाइट को अपना रुख ही लाना पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये चेकमेट की थ्रेट है। रुक B8 चेक होगा, बिशप बीच में लग गया, रुक टेक्स B8 चेक और यहाँ ये मेट, तो चेकमेट के कितना नजदीक है, बस यही समझाने के लिए वेरिएशन बताया था। यहाँ खेला गया क्वीन G1 चेक, किंग के लिए जगह है और शायद चले भी जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप को बचाया, दैट्स बेटर, क्योंकि अदरवाइज यहाँ बिशप लिया जाता और वो भी एक चेक के साथ, तो किंग को नहीं मूव किया जा सकता था। क्वीन टेक्स H2 और व्हाइट कम से कम यहाँ दोनों में से किसी भी रुक को 8th रैंक में नहीं लेकर जा सकता है। एक बार क्वीन का अटैक है और एक बार बिशप ने डिफेंस किया हुआ है, तो रुक D goes to C7 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और अगले मूव में फिर वही चेक मेट की थ्रेट है, तो Bd8। फ्रेंड्स, बिशप के D8 स्क्वायर पर ना जाकर अगर यहाँ ये क्वीन D2 स्क्वायर पर चली जाती तो भी एक ऑप्शन थी। यहाँ पर खेला गया रुक C8 और इसी बिशप को पिन कर दिया है। जो रज़वो थोड़ा गेम प्ले कर सकते थे वो यहाँ इस बिशप के पिन होने की वजह से खराब हो गया, लेकिन ब्लैक के पास अभी भी मूव है क्वीन को D2 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ एक चेक के साथ बिशप पर अटैक बनाने का, और यहाँ अपने रुक पर डिफेंस हो भी गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पीटर स्विडलर का लास्ट मूव था बिशप को C2 स्क्वायर पर ले जाने का, और यहाँ इस मूव के बाद तैमूर रज़वो ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन आप यहाँ देखिए कि व्हाइट थ्रेट क्या दे रहा है। व्हाइट का बिशप कहीं नहीं जाने वाला, ब्लैक इसे बिल्कुल हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन व्हाइट थ्रेट दे रहा है अपने रुक को B8 स्क्वायर पर ले जाकर यहां ब्लैक के बिशप को लेने का। और अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियस है चेकमेट करने में ज्यादा देर लगेगी नहीं। चलिए इस गेम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक यहां जैसे रहे क्या करेगा, एक चेक देगा, बिशप बीच में लग जाएगा, क्वीन को वापस D2 स्क्वायर पर ही लैंड करना होगा, और उसके बाद अब व्हाइट मेरे ख्याल से इस बिशप का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ इस C4 स्क्वायर पर ले जाकर और किंग पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ाने का काम, जैसे कि व्हाइट यहाँ अपने बिशप को E2 स्क्वायर पर लेकर जा सकता था। यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो किंग मूव कर लेते हैं ब्लैक के लिए, बिशप C4 चेक होगा, किंग को एकदम मूव कर लो, देन रुक F7 चेक होगा, किंग E8, कितने भी ब्रिलियंट मूव्स यहाँ निकाल लिए जाए मेरे ख्याल से ब्लैक पूरी तरह से प्रेशर में यहाँ इस गेम में रहने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कार्तिक कुमार जी के द्वारा बताई गई गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।